दिल्ली के शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में आयोजित 15वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में लड़कों में बीए प्रथम वर्ष के देवी चंद व लड़कियों में बीए द्वितीय वर्ष की मेघा ने ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजीव गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को खेलकूद के प्रति रुझान उन्हें व्यसनों से दूर रखता है। खेलकूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण होते हैं और भविष्य में सही मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, जिसका प्रयास राज्य व केंद्रीय सरकार द्वारा भी किया जा रहा है। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर सुमित गोयल ने बताया कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने इस सत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में रजत पदक, थाईक्वांडो प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय स्तर पर कांस्य पदक व रेसलिंग प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय स्तर पर कांस्य पदक प्राप्त किया है और महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि दो दिन चली इन खेलकूद प्रतियोगिताओं में 250 से भी अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की प्रतियोगिताएं भी कराई गई, जिसमें 50 से भी अधिक स्टाफ मेंबर्स ने भाग लिया। बेस्ट एथलीट अवार्ड लड़कों में देवी चंद बीए प्रथम वर्ष व लड़कियों में मेघा बीए द्वितीय वर्ष को प्राप्त हुआ है। देखिए इंद्र से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अभी बेस्ट एथलीट बनी हूँ, बट थोड़ा सा ये भी हो गया था कि कोई और किसी और को बुना दिया था, तो मुझे बहुत डर सा लग गया था, मुझे थोड़ा रोना भी आ गया था इसलिए। बाकी बहुत अच्छा रहा और कई दिनों से थोड़ा तैयारी भी कर रही थी। और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सबको खेलों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है और पढ़ाई में भी अच्छा मन लगता है, इससे एकाग्रता बढ़ती है। तो सबको खेल के लिए करना चाहती हूँ, थैंक यू। विद्यालय में जो वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं, इसके पीछे सरकार का जो मेन मोटिव ये है कि बच्चे जो हैं दूसरी जो अनावश्यक गतिविधियां हैं जैसे नशे की आदत, उसकी तरफ उनका ध्यान ना जाकर अपने जो करियर को है वो खेलों के प्रति, पढ़ाई के प्रति और दूसरी एक्टिविटीज़ में अपने इन्वॉल्व करें। और जो हमारे हरियाणा सरकार के खेल मंत्री हैं वो स्वयं भी एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, तो सरकार का यही मोटिव है और उसी मोटिव को हम आगे बढ़ाते हुए इन खेलों के आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यार्थियों की भागीदारी हो और वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने जीवन में इसको जो है आगे कैरियर के रूप में भी देखें। हमारा उद्देश्य इन आयोजनों के प्रति ये रहा है। धन्यवाद। शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी करनाल के 15वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन का आज द्वितीय दिन था। विद्यार्थियों में उत्साह आज भी देखते ही बन रहा था। टोटल जो गेम्स थे 19 गेम्स थे जो बॉयज़ और गर्ल्स की कैटेगरी में अलग अलग करवाए गए थे, जिनमें से आधे गेम कल हो गए थे और आधे गेम आज हुए। मुख्य रूप से ट्रिपल जंप गर्ल्स, हाई जंप बॉयज़, ट्रिपल जंप बॉयज़ हाई जंप गर्ल्स, 1500 मीटर रेस गर्ल्स, 1500 मीटर रेस बॉयज़, थ्री लेग्ड रेस बॉयज़, थ्री लेग्स रेस गर्ल्स, 200 मीटर रेस बॉयज़ और गर्ल्स का फाइनल राउंड, चैटी रेस, डिस्कस थ्रो गर्ल्स के लिए, जेवलियन थ्रो बॉयज़ के लिए, 100 मीटर की रेस स्टाफ मेंबर्स के लिए आयोजित की गई। आज जिन जिन प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया सभी की मेडल सेरेमनी साथ ही साथ की गई। अब ये जो गेम्स कराई गई हैं 19 गेम्स अलग अलग कैटेगरी में, इनमें से जो बेस्ट एथलीट बॉयज़ में और गर्ल्स में आया है उन्हें 1500 रुपये की धनराशि अलग अलग रूप से उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है और उसके साथ ही कॉलेज स्तर पर उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। गेम्स हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी 29 अगस्त 2019 को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया था,
जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई थी, वो पूरा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बच्चे जो हैं गेम्स के प्रति उनका रुझान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। हरियाणा में हरियाणा के विद्यार्थियों की हमेशा रुचि खेलों के प्रति बहुत अधिक रही है और उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नाम रहा है। इस विधा को, इन खेलों में विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाने के लिए ये सभी खेलकूद प्रतियोगिताएं कॉलेज स्तर पर करवाई जा रही हैं, ताकि उनमें एक उत्साह पैदा हो कॉलेज स्तर से ही और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।